नमस्कार दोस्तों, लॉजिक्स पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में आपको ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक भारत की ऐतिहासिक घटना है। अगर आपने इस घटना के बारे में नहीं सुना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑपरेशन मेघदूत जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए एक अभियान का नाम था। भारत के इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन को एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत आज से 33 वर्ष पूर्व भारतीय सेना द्वारा 13 अप्रैल 1984 में शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। वर्ष 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसी रो को यह जानकारी हासिल हुई कि पाकिस्तान अपने अभियान ऑपरेशन अवावील के तहत सियाचिन के सल्तोरो रिज को हथियाने की योजना बना रहा है। यह खबर मिलते ही भारतीय सेना ने इस दुर्गम इलाके में तुरंत ऑपरेशन मेघदूत की योजना बना डाली और इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के पहुंचने से पहले ही करीब 300 भारतीय जवानों की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और पिछले 33 वर्षों से भारतीय सेना विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई युद्ध स्थल लगभग 21,000 फीट पर सर्वाधिक ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में देश की सीमा की रक्षा हेतु कार्यरत है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के उत्तर पश्चिम में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 76.4 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। सियाचिन दो विवादित सीमाओं के मध्य स्थित है। पाकिस्तानी सेना के निचले इलाके में होने की वजह से पाकिस्तानी सैनिक हमेशा भारतीय सेना के निशाने पर होते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ऊँचे इलाकों में डटी हुई है। इसीलिए इस क्षेत्र पर पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अन्य विकसित शक्तियां भी निगाहें लगाए बैठी हैं। पाकिस्तान ने इस स्थिति को बदलने की एक बड़ी कोशिश 1987 में की, जब जनरल परवेज मुशर्रफ के निर्देश पर पाकिस्तानी फौज के एसएसजी कमांडो ने बिलाफोंडला दर्रे पर कब्जे की कोशिश की। शुरुआत में उन्हें कुछ सफलता मिली, लेकिन भारतीय सेना ने जबरदस्त मुकाबले के बाद हमलावरों को पीछे धकेल दिया। इसी लड़ाई के दौरान तब नायब सूबेदार वाना सिंह ने 22,000 फीट ऊंची चोटी पर चढ़कर पाकिस्तानियों की अहम चौकी पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना अब इसे बाना चौकी कहती है। पाकिस्तान ने 1987 के बाद भी 1990, 1995, 1996 और 1999 में लाहौर समझौते से पहले भी सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों की वजह से हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। आखिरकार 2003 में पाकिस्तान ने सियाचिन में एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।